हाय फ्रेंड्स, सदाम क्लासेज में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच प्रकाश के अपवर्तन का पार्ट 2 लेकर हाजिर हैं। आप लोगों को बहुत दिन से इंतजार होगा कि साइंस का एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट कब आएगा। तो हम आज आपके बीच प्रकाश का अपवर्तन लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज आप लोग को बताया जाएगा कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसका किरण आरेख खींचने के लिए आता है क्वेश्चन परीक्षाओं में, 2 नंबर का सवाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 6 पॉइंट्स होता है उत्तल लेंस में। उन 6 में से कोई ना कोई एक परीक्षा हर साल देता है, या तो दर्पण चैप्टर से दे या लेंस चैप्टर से दे। इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्द ही आप समझ जाइएगा टेढ़ा नहीं है, और इससे ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनता है। उत्तल लेंस से ही सिर्फ पूछता है, अवतल लेंस से नहीं पूछता है, क्योंकि अवतल लेंस में जितना भी फिगर बनता है वो सब आभासी होता है, और उत्तल लेंस में जितना भी फिगर बनता है वो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनता है। तो इससे एक सवाल परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर होता है उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन की कुछ क्लास पहले करा चुका हूँ। आज दूसरे क्लास में मैं हाजिर हूँ प्रकाश का अपवर्तन लेके। मेरी उम्मीद है कि आप लोग को बढ़िया से मैं समझा पाऊँ। देखिए, हेडिंग है कि उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति का किरण आरेख खींचना है ना। देखिए, इसमें 6 कंडीशन है, 6 का मैंने बना दिया है ना फिगर। पहला स्थिति है कि जब वस्तु को लेंस तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। वस्तु कहाँ हो? देखिए, ये लेंस हो गया, उत्तल लेंस है ना, ये उत्तल लेंस का फिगर है। और वस्तु देखिए यहाँ रखा हुआ है, ये भी क्या है वस्तु, वो वस्तु लेंस के मुख्य फोकस, यहाँ मुख्य फोकस है ना, ये मुख्य फोकस F1 है, और ये लेंस का मध्य बिंदु है के बीच स्थित है। तो इसका प्रतिबिंब गया, प्रकाश की किरण इधर गया और उसको डॉट लाइन से निगल तो पीछे की ओर गया और पीछे की ओर गया, ये इसका फिगर बन गया। परीक्षाओं में आपको पेंसिल से इसको बनाना है। तो देखिए, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण की ओर ही बन रहा है, जिधर आप वस्तु रखे उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। ये A' B' जो है प्रतिबिंब की स्थिति है, तो लिखे कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है? देखिए, जैसा वस्तु है वो सीधा है ना, तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और जो प्रतिबिंब सीधा होगा वो आभासी होगा। उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो प्रतिबिंब सीधा आभासी। तो देखिए, वस्तु इतना छोटा था लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये जब वस्तु लेंस तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, आएगा परीक्षा में कि जब वस्तु लेंस तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो का किरण आरेख खींचे। क्वेश्चन में सिर्फ किरण आरेख जोड़ देता है। तो इस फिगर को आपको बना देना है और ये 2 पॉइंट्स दर्शा देना है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसी का अगला कैसे पूछता है, दूसरा पॉइंट कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, यानी कि उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है, बाएं साइड में 2 फोकस होते हैं, उत्तल लेंस के 2 फोकस होते हैं, F1 F2 है ना। तो F1 पे वस्तु को रख के तो देखिए गया, और प्रकाश की किरण जाने के बाद फिर एक किरण मुख्य बिंदु से गया, और कहीं पे नहीं ये मिल रहा है ना, प्रकाश की किरण कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो जब कहीं नहीं मिलेगा तो उसको अनंत कहते हैं। और वस्तु देखिए ऊपर था तो प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, तो ऐसे प्रतिबिंब को उल्टा प्रतिबिंब कहते हैं, और जो प्रतिबिंब उल्टा होगा वह वास्तविक होगा। तो इसका कंडीशन लिखेंगे कि प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब लाइनें नहीं मिलती हैं तो उसको अनंत कहते हैं। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अब प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब ही वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। इतना आप बना दीजिएगा, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट्स जो है, तीसरा में पूछता है कि जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो, है ना, कहाँ स्थित हो, F1 तथा 2F1। तो मैंने एक लेंस बनाया उत्तल लेंस, और ये एक वस्तु रख दिया AB, जो देखिए F1 और 2F1 के बीच स्थित है। एक लाइन प्रकाश की किरण AB से गया, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर गया और इधर गुजर गया, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को घुमाती है, मोड़ दिया, और एक मुख्य बिंदु से गया, प्रधान अक्ष से गया, तो जाने के बाद इधर मिलता है। तो इस साइड इधर F2 है और इधर पर पॉइंट्स नहीं दिया, तो इधर अनंत होता है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत तथा 2F2 के बीच। देखिए, वस्तु यहाँ बना है, F2 है, इधर वाला भाग अनंत कहलाएगा, तो प्रतिबिंब जो होगा अनंत तथा 2F2 के बीच बनेगा। अब प्रतिबिंब देखिए, वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब नीचे की ओर ऐसे बना है, तो ऐसे वाले प्रतिबिंब को उल्टा कहते हैं, और जो प्रतिबिंब उल्टा हो गया वो वास्तविक हो गया। तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये तीसरे सवाल का किरण आरेख हुआ और 2 पॉइंट्स हुआ। अब चौथा सवाल देखिए कैसे पूछता है। चौथा में पूछेगा कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, तो देखिए ये लेंस का F1 है और ये 2F1 है, ये उत्तल लेंस है आपका ना, वस्तु AB रखा गया है, प्रकाश की किरण गई और इधर से F2 से होकर गुजर गई, और एक प्रकाश की किरण प्रधान से गुजरे जो 2F2 पे दोनों लाइनें मिलती है, जहां दोनों लाइनें मिलती है वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वास्तविक है, उल्टा है, क्योंकि देखिए उल्टा है, प्रतिबिंब ऊपर है, वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब नीचे है, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। देखने में लग रहा है ना कि AB जितना बड़ा है उतना बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब भी है, इसलिए वस्तु के बराबर बनेगा। ये चौथा सवाल का किरण आरेख और 2 पॉइंट्स होगा। आपको परीक्षाओं में पेंसिल से फिगर बनाना है, ये बात को ध्यान में हरदम रखिएगा कि कभी भी चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का इक्वेशन लिखना हो या मैथ का फिगर, सबको पेंसिल से बनाना चाहिए। अब पांचवा है जब वस्तु 2F1, ये 2F1 हो गया और इधर हिस्सा में नहीं कुछ दिया है तो अनंत हो गया। तो जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच स्थित हो, तो वस्तु AB को देखिए 2F1 है, ये F1 है, ये 2F1 है और इधर अनंत है, ये भी वस्तु रखा है। प्रकाश की किरण गई यहाँ से गुजर गई F2 मुख्य फोकस से होकर, एक प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष से गया और यहाँ पे A' हो गया ना, तो इधर F2 है, ये F2 है, ये 2F2, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है तो F2 और 2F2 के बीच। इसी को लैंग्वेज में लिख देंगे, प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा। ठीक है, अब देखिए वस्तु जो है ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब नीचे की ओर है तो उल्टा हो गया, और जो प्रतिबिंब उल्टा हो गया उसी को वास्तविक कहते हैं। और देखने में क्या है, वस्तु बड़ा नजर आ रहा है और प्रतिबिंब छोटा नजर आ रहा है, तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब छठा है कि जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं ना, तो जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो ये लेंस हो गया उत्तल लेंस, प्रकाश की किरणें अनंत से समांतर चली और एक प्रधान अक्ष से गुजरा और एक ऊपर वाली बिंदु से गुजरा और गुजरने के बाद F2 पे आकर मिलती है। कहाँ मिलती है? F2 पे। तो प्रतिबिंब जो होगा F2 पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु अनंत वाली बड़ा होती है और F2 पे बना है, उल्टा है तो वास्तविक भी है ना। ये 6 पॉइंट्स उत्तल लेंस में होते हैं, 6 को याद रखना बहुत ही आसान है। मैं आपको 5 उंगली जो हमारे हाथ में होती है, खाली पहला वाला कंडीशन को छोड़कर 5 को मैं आपको इस उंगलियों पे याद करवा दूंगा, इससे क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल परीक्षा में पूछता है। ठीक है दोस्तों, नीचे मैंने 2 पॉइंट्स इसी से बनाया है कि अभी तक जितना मैंने इस 6 को फिगर बनाया, तो फिगरों से हम गौर किए, ऑब्जर्वेशन किए, प्रेक्षण किए, तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट कि उत्तल लेंस में आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से बना है ना, तो जो फिगर डॉट लाइन से बनता है उसे आभासी कहते हैं। पहचानने का एक तरीका है फिगर का पहचानना, फिगर में कैसे पहचाने कि कौन प्रतिबिंब वास्तविक है। तो फिगर में अगर पहचानना हो तो जिस फिगर में डॉटेड लाइन मिले, डॉट डॉट वाला, वो फिगर आभासी प्रतिबिंब को सूचित करता है ना। और जिस प्रतिबिंब में, जिस फिगर में, जिस चित्र में लाइनें डॉटेड रेखा नहीं सीधी रेखाओं से मिली हो, तो उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो ये 6 कंडीशन उत्तल लेंस का बना है, उसमें से एक कंडीशन ये सिर्फ पहला है, जब वस्तु F1 और मुख्य ध्रुव के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है। लेकिन 5 कंडीशनों में उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि उत्तल लेंस में वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और आभासी भी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए लिख दिया कि उत्तल लेंस में आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। और एक ऐसा लेंस है अवतल जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आपको अवतल लेंस लगाना होगा। ठीक, इसी को पूछने का दूसरा तरीका होगा कि कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो आपको उसमें टिक लगाना होगा उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए मैं आपको 5 उंगली पे कैसे इसको याद रखते हैं और इससे कैसे ऑब्जेक्टिव सवालों को सॉल्व करते हैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, फिगर से देखिए मैंने अपने हाथ का फिगर बना दिया, 5 उंगली है, F1 तथा 2F1 के बीच इस मिडिल वाले फिंगर को हमने 2F1 और 2F2 मान लिया और 2F2 और अनंत। देखिए उत्तल लेंस में जो भी फिगर बनता है, खाली एक कंडीशन छोड़ के उत्तल लेंस में जो भी फिगर होगा वो दाहिना साइड बनता है। कौन साइड? दाहिना साइड, है ना। थोड़ा इसको मिटा के फिर से बनाता हूँ, इरेज करके फिर से बना रहा हूँ। ये उत्तल लेंस हुआ, इधर F2 होता है और 2F2, यानी कि हमको जो भी बात बोलना हो प्रतिबिंब से रिलेटेड वो हमको सिर्फ दाहिना साइड बनता है, खाली एक कंडीशन में बायां साइड बनता है उत्तल लेंस में। तो देखिए कैसे इस फिगर को हम याद करेंगे, सेकंडों में जवाब कैसे देंगे इसको याद करके। देखिएगा यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया, इसका निशान इस मिडिल वाला छोटी उंगली का थंब फिंगर अंगूठा से मिलाना है ना। फिर उसके बाद छोटी उंगली के बाद जो बगल वाली उसकी उंगली है उसका इस मोटे वाली उंगली के बराबर है और बीच में उंगली वाला। इधर देखिए F1 है ना, यहाँ पे एक बार F2 जोड़ लीजिएगा क्योंकि कोई भी फिगर बनता है F2 पे, और यहाँ पे भी F2 और 2F2 जोड़ लीजिएगा। अब देखिए इस फिगर को मैं कैसे आपको याद कराता हूँ। जब वस्तु F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, ठीक है ना। जब वस्तु F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। और जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पे। याद हुआ ना। जब वस्तु F1 पे हो तो अनंत पे, अंतिम वाला फिगर। और जब वस्तु अनंत पे हो तो F2 पे। अब देखिए जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 तथा अनंत के बीच, ये वाला फिगर। जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब 2F2 तथा अनंत के बीच बनेगा। और अब जस्ट इसका उल्टा, रिवर्स, जब वस्तु 2F2 तथा अनंत के बीच हो तो इधर से देखिए ऐसे मैंने तीर लगाया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 के बीच। और मिडिल वाला फिगर समझिए, जब वस्तु 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर। जब प्रतिबिंब 2F1 पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। और जस्ट इसका उल्टा, जब वस्तु 2F1 हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पे। ठीक है दोस्तों, यह मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये फिंगर बेस मैंने जो थ्योरी बताया उंगलियों पर अपना, वो आपको याद हो गया होगा। अब इससे इस देसी ट्रिक हो गया है, अपने से बनाया गया ट्रिक जिसपे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछते हैं, तो आप उसको कैसे जल्द से जल्द जवाब देंगे। देखिए मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल अपने से बनाया गया है जो परीक्षाओं में आएगा, तो आपको बस इस पांचों उंगली पे जो मैंने ट्रिक बताया उसको याद रखना है। इस पांचों उंगली F1 तो अनंत, अनंत तो 2F2। जब वस्तु F1 और 2F1 तो आंसर F2 2F2, और जब वस्तु F1 तो 2F1 पे बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने बनाया कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चार ऑप्शन दे देगा, अनंत पे, F2 पे, 2F2 तथा अनंत के बीच, नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने ट्रिक बताया कि जब वस्तु F1 पर हो तो देखिए इसमें ऐसे घुमाया गया ना, कहाँ प्रतिबिंब बनता है? अनंत पे। बस याद हो गया, इसका टिक लगा देना अनंत पे। देख रहे हैं ना कितना आसान ये ट्रिक भी है, इससे एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं बनेगा, एकदम श्योरली सही बनेगा। दूसरा, जब वस्तु F1 तथा 2F1 पे हो, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। जब वस्तु F1 तथा 2F1, तो इसका देखिए ट्रिक कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? 2F2 तथा अनंत के बीच। अब देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है 2F2 तथा अनंत के बीच, तो ऑप्शन बी सही है, ये टिक लगा देंगे। जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, 2F1 ये वाला चीज है ना 2F1, तो ये कहाँ जा रहा है? 2F2 पर। तो जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो 2F2 पर प्रतिबिंब बनता है। समझ में आया दोस्तों। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि किस लेंस में वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो मैंने जब 6 कंडीशन आपको समझाया उसमें बताया कि उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो इसका क्वेश्चन वही है कि किसमें उत्तल, वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, तो होगा उत्तर लेंस। तो दोस्तों मैंने जो आज प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड क्लास शुरू बताया, उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। और आपसे मैं विनती करता हूँ कि आज अगर पहली बार आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप इसका शेयर भी कीजिए, ताकि और भी जो लॉकडाउन में स्टूडेंट फंसे हुए हैं वो भी अपने घर बैठ कर लाभ उठा सकें।